हम देखते हैं दुनिया में खलत मलत मामला है, मिक्स्ड अप है। नेक लोगों के ऊपर भी नेमतें आती है, परेशानियां भी आती है। बुरे लोगों पर भी नेमतें भी आती है, परेशानियां भी आती है। पूरा मिक्स्ड अप मामला है। लेकिन ये आजमाइश है ना, इम्तिहान है। अगर ऐसा हो कि सब नेक लोगों को नेमतें ही नेमतें मिली आ रही है और बुरे लोगों को परेशानियां ही परेशानियां मिलती आ रही है, तो एग्जाम क्या हुआ? ये तो वही आपको मिसाल याद होगी जो हमने बात की थी कि ऐसा है जैसे कि मैं एग्जाम के लिए जाऊंगा लेकिन मुझे सवाल का सिर्फ एक ही जवाब दो, मैं उसे ही टिक मारूंगा। ऐसा ही इम्तिहान चाहिए अजीब सा लोगों को। क्या ये हकीकत को भूल जाते हैं कि हम सबको अल्लाह ने बनाया है तो मकसद के तहत बनाया है? अब मरने के बाद ज़िंदगी यकीनन है। अगर कोई शख्स का ईमान नहीं है इस बात पर तो कई सारे दलायल है गौर करने के लिए। एक लेक्चर मेरा भी इस मौजू पर मौजूद है कि मरने के बाद ज़िंदगी के दलायल, जिसमें पूरे सारे दिए हुए हैं। अगर कोई शख्स नहीं मानता है तो देखे निशानियों को और ईमान ले आए। लेकिन जब ईमान ले आए हैं, हमारा ईमान है ना आखिरत पर, तो आप याद दिलाओ अपने आप को ये हकीकत।